Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार भारतीय राजनीति से संबंधित चर्चा की अपने श्रृंखला में आज हम जाति वर्ग और राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे जाति वर्ग जो आ, समाज को देखने के जो खासतौर पर भारत के समाज के जो देखने के जो तरीके हैं उनमें से आ, इन दोनों का ही बड़ा ही प्रमुख स्थान है धर्म के स्थान पर धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर भी आ, समाज को देखने या उसका विश्लेषण करने की कोशिश की जाती रही है भाषा भी उसका एक प्रमुख स्वरूप रहा है लेकिन अगर हम भारतीय राजनीति के विश्लेषण की बात करें या भारत की राजनीति किस दिशा में जा रही है उसको समझने की बात करें तो इस संदर्भ में जाति और वर्ग के बीच आ, की जो अन्योन क्रिया है या जाति और वर्ग का जो अलग अलग आधार है उसका बहुत इस्तेमाल होते रहा है तो अगर हम भारतीय राजनीति की एक समझ बनाना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से जाति और वर्ग के बारे में जो ये अलग अलग तरह की आ, समझ है जो अलग अलग तरह की व्याख्याएं हैं और उन व्याख्याओं में जिस तरीके से भारतीय समाज को या उसकी गतिशीलता को समझने की कोशिश की गई है उसके बारे में एक साफ़ एक अंडरस्टैंडिंग हमारे सामने होनी चाहिए तो आज की जो हमारी पूरी परिचर्चा है उसमें हम यह कोशिश करेंगे कि आ, सबसे पहले हम यह समझें कि जाति और राजनीति को कैसे समझा गया है उसके बाद हम वर्ग की अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे और किस तरीके का सैद्धांतिकरण विभिन्न लेखकों के द्वारा भारत में वर्ग संरचना और वर्ग निर्माण के बारे में किया गया है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे उसके बाद भारत में वर्ग के विकास की बात करेंगे और जाति और वर्ग की अंतर क्रिया के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा इस संदर्भ में मैं विशेष रूप से डीएल सेठ के द्वारा प्रस्तुत न्यू मिडिल क्लास की कॉन्सेप्ट की चर्चा करूँगा अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो जाति की बात करना एक अपरिहार्य सी बात बन जाती है मतलब हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा चाहे वो हिंदू हो या ना हो जिसकी एक जाति ना हो तो हर एक व्यक्ति जाति की पहचान के साथ जीता है वो मुस्लिमों के भीतर भी जाती है अगर आप ईसाई धर्म को देखें तो उनके बीच भी एक तरह की ऊंच नीच की भावना मौजूद है और अलग अलग तरह के समूह उनके भीतर भी मौजूद हैं तो अलग अलग धर्मों के भीतर भी जो जाति का अस्तित्व है वह भारतीय समाज की एक अपने आप में अनूठी परिघटना है और उसमें अगर हम राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं हिंदुस्तान की राजनीति को देखने की कोशिश करते हैं जाति के नज़रिए से तो हम ये पाते हैं कि आरंभ में यह माना गया कि जो जाति है वह एक समाजशास्त्रीय या सामाजिक सच्चाई है और यह व्याख्या की गई कि जाति जो है वह सहभोजिता यानी कि एक साथ बैठकर खान पान करने या बेटी संबंध यानी कि शादी विवाह के संबंध छुआछूत के सम्बन्ध इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है और फिर उसी के आधार पर उसमें होने वाले परिवर्तनों की भी व्याख्या की गई जैसे एम एन श्रीनिवास के द्वारा संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत की गई और यह कहा गया कि कैसे जो तथा कथित निम्न जातियाँ होती हैं जब उनके पास आर्थिक संसाधन आते हैं तो वो उच्च जातियों की संस्कृति को अपनाने की कोशिश करती हैं तो ये समाजशास्त्रीय स्तर पर जाति जाति के व्यवहारों को समझने की एक परंपरा हमारे देश में रही है यह परंपरा अपने आप में लंबी परंपरा मानी जा सकती है लेकिन अगर हम लोकतांत्रिक राजनीति की शुरुआत के साथ जाति की बात करें और जाति से उसके अंतर्क्रिया की बात करें तो हमारे सामने अलग अलग तरह की व्याख्याएं आती हैं आगे मैं इस बात की चर्चा करूंगा कि मुख्य धारा में भी राजनेताओं ने कैसे जाति को देखा मोटे तौर पर तो यह घोषणा की जाती रही है चुनावी राजनीति में हर राजनेता के द्वारा कि वो जाति को नहीं मानते हैं लेकिन हम सब जानते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो चुनावों में जब टिकट का वितरण होता है तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि, कि किस इलाके में किस जाति के लोग ज़्यादा हैं और अगर हम थोड़ा पीछे जाए आज़ादी के आंदोलन के दौरान होने वाले संघर्षों को देखें तो वहाँ भी जाति के आधार पर कुछ संघर्ष होता है लेकिन मुख्य रूप से आदर्श यही था कि हम एक ऐसे सेकुलर पहचान को आगे बढ़ाएं जहाँ पर देश की बात सबसे आगे हो हिंदुस्तान की बात सबसे आगे हो जहाँ तक सामाजिक स्तर पर अस्पृश्यता या निम्न पिछड़ी जातियों की बुरी स्थिति का सवाल है ख़ासतौर तो पर दलितों की बुरी स्थिति का सवाल है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसके लिए अन्यतम संघर्ष किया अपने पूरे जीवन में उन्होंने इस बात की कोशिश की कि जो दलित समूह हैं उन्हें सही प्रतिनिधित्व मिल पाए वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ पाए महात्मा गांधी ने भी काफ़ी कोशिश की कि अस्पृश्यता की बुराई को ख़त्म किया जाए और इस संदर्भ में उन्होंने भी लगातार संघर्ष किया लगातार कोशिश की और वो जो हिंदू धर्म के जो रूढ़िवादी लोग थे उनके निशाने पर भी रहे लेकिन ये सब बातें जो हमारी जाति और राजनीति से संबंधित चर्चा है उसका मुख्य हिस्सा नहीं है जाति और राजनीति से संबंधित हमारी चर्चा का मुख्य हिस्सा यह बात है कि किस तरीके से जाति और राजनीति के संबंध को देखा गया है तो जब हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ तो यह माना गया कि यह जो भारत की प्रकृति है उसके अनुरूप नहीं है क्योंकि लोकतंत्र जो पश्चिमी देशों में है वहाँ पर तुलनात्मक रूप से लोग काफ़ी शिक्षित हैं और वहाँ पर इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वहाँ पर जो पारंपरिक पहचाने हैं जाति जैसी वो काम नहीं करती हैं बल्कि इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं यानी कि अगर कोई शिक्षक है तो उसका शिक्षकों का इंटरेस्ट ग्रुप है और जो पार्टी या जो समूह उसे ज़्यादा अच्छा ऑफर देता है कि उसके लिए वो इस इस तरह के काम करेगा तो वो उसके आधार पर वोट देता है लेकिन क्या एक ऐसे समाज में लोकतंत्र का काम चल सकता है जहाँ पर लोग परंपराओं से ही अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हों जो जाति जैसी व्यवस्था है उसी से लोग पूरी तरीके से बंधे हुए हों तो ये जो परंपरा और जो राजनीति का जो संबंध की जो बात थी उसकी एक अनूठी व्याख्या मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन शीर्षक से अपने बुक में लॉयड और सुजैन रुडोल्फ ने की और लॉयड और सुजैन रुडोल्फ की जो यह व्याख्या थी उस व्याख्या में जो सबसे प्रमुख बात उन्होंने कही वह यह कि भारत में जो परंपराएं हैं उनका आधुनिकीकरण हो रहा है यानी कि हम यह नहीं कह सकते हैं कि परंपरा अपने आप में अतीत से जुड़ी हुई या अतीत से आती हुई कोई जड़ व्यक्ति जड़ सी चीज़ है और आधुनिकता यानी कि लोकतंत्र उसके साथ किसी तरह की अंतर क्रिया नहीं कर सकता है हिंदुस्तान में हम इस तरह की अंतर क्रिया को इस तरीके के पारस्परिक लेन देन को देख सकते हैं तो उसके पहले भी कुछ चिंतकों ने ईश्वर इशारा किया था पर सबसे ठोस रूप में लॉर्ड और सुजन रूडो जो कि पति पत्नी थे और लंबे समय तक इन्होंने भारत पर शोध किया और अलग अलग दशकों में इनकी कई प्रमुख पुस्तकें प्रकाशित होती रहीं तो उन्होंने अपनी इस पुस्तक के माध्यम से इस बात की ओर हमारा ध्यान दिलाया कि जाति जैसी जो चीज है जो परंपरा से जुड़ी हुई है वह लोकतंत्र जैसे आधुनिक परिघटना के साथ एक अंतर क्रिया कर सकती है और उसका भी आधुनिकीकरण हो सकता है आगे चलकर कुछ वर्षों बाद ही कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स शीर्षक से अपनी पुस्तक में रजनी कोठारी ने बहुत ही विस्तार से यह दिखाया कि जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है जातियों के राजनीतिकरण से तात्पर्य यह था कि जहाँ पहले जातियाँ प्रमुख रूप से शादी व्याह करने या ना करने छुआछूत मानने या ना मानने यानी खान पान से संबंधित या शादी विवाह से संबंधित व्यवस्था के रूप में थी वहीं लोकतंत्र के साथ अब ये सत्ता हासिल करने के माध्यम के रूप में तब्दील हो चुकी हैं इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ यह है कि अब जो अलग अलग जातियाँ हैं वो खुद को लोकतांत्रिक चुनावों में अपनी सत्ता की दावेदारी हेतु तो गुलबंद कर रही हैं और इससे जो हाशिए पर पड़ी हुई जातियां हैं उन्हें भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने में सहायता मिल रही है तो ये जो एक पहले की भूमिका होती थी जाति की जो कि परंपरा या संस्कृति से जुड़ी हुई थी उस भूमिका का धीरे 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 करके क्षय हो रहा है और रजनी कोठारी ने कहा कि जातियों का पोलिटिसजेशन हो रहा है यानी कि सत्ता हासिल करने के लिए सत्ता के संघर्ष में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग जातियाँ अपने आप को प्रस्तुत कर रही हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि सिर्फ जाति ही ऐसी चीज थी जो चुनावों को प्रभावित कर रही थी जैसे बहुत तरह के कारक होते हैं चुनावों में उसमें जाति एक प्रमुख कारक बन चुकी थी ऐसा रजनी कोठारी ने कहा और उनका यह कहना था कि यह इसी यही जो चीज़ है वह राजनीति में जो जातियों का राजनीतिकरण है उसे राजनीति में जातिवाद से अलग करती है क्योंकि जो जातियों का राजनीतिकरण की जो परिघटना हुई उसमें किसी उम्मीदवार को वोट देने का फैसला करते समय या ना करते समय जो विभिन्न जातियों के समूह थे उनके सामने जो कसौटियाँ थीं उन कसौटियों में से जाति एकमात्र कसौटी नहीं थी बल्कि जाति के साथ साथ वह उम्मीदवार कितना अच्छा है कितना ईमानदार है उनके हितों का कितना ख्याल रखेगा या और इस तरीके के कारक काम कर रहे थे तो जो जातियों के राजनीतिकरण की परिघटना थी उसने आधुनिकता के जो पर, परंपरा के आधुनिकीकरण के की जो परिघटना को एक मूर्त रूप में और कई उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया कि कैसे जो अलग अलग समूह हैं वह अपनी सत्ता की दावेदारी कर रहे हैं और इस लिहाज से जो एक दिखावा राजनीति में चल रहा था कि जाति की बात करना बहुत बुरी है बुरी चीज़ है या अगर कोई पिछड़ी जाति का नेता इस तरह की दावेदारी कर रहा है तो उसे बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है उसको उस भ्रम को तोड़ने का काम रजनी कोठारी के सिद्धांतिकरण ने किया और उसे उन्होंने लोकतंत्र की जो पूरी परिघटना है उसके साथ जोड़ा रजनी कोठारी बाद के समय में भी भारतीय राजनीति के संदर्भ में कई सूत्रीकरण प्रस्तुत करते रहे और अलग अलग लेक्चर्स में मैंने उनके बारे में आपको बताया है मिसाल के तौर पर कांग्रेस से संबंधित जो हमारा लेक्चर है उसमें मैंने आपको कांग्रेस सिस्टम के बारे में जो उनकी अवधारणा थी उनके बारे में बताया था तो ये जो रजनी कोठारी की जो अवधारणा थी उसने इस बात को दिखाया कि कैसे जो जातियां हैं वो राजनीति का इस्तेमाल कर रही हैं अब और राजनीति भी जाति का इस्तेमाल कर रही है दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरीके से एक ऐसी परिस्थिति बन रही है जिससे वो समूह भी जो कि पारंपरिक रूप से सत्ता के हरारकी में निचले स्तर पर थे लेकिन जो जनसंख्या के लिहाज से अच्छे थे अब वो दावेदारी करने लगें सत्ता पर अब वो दावेदारी करने लगें कि किस तरीके जो से संसाधनों का जो आवंटन हो रहा है उस पर उनका भी हक है बाद के दौर में भी जाति भारत की राजनीति को समझने का मुख्य आधार बनी रही और योगेंद्र यादव जावेद आलम क्रिस्टॉफ जेफरलॉ और कई अन्य विद्वानों ने भारत की राजनीति में जाति की भूमिका और उसके माध्यम से होने वाले बदलावों का अध्ययन किया योगेंद्र यादव ने आ, यह विचार प्रस्तुत किया दो तरीके की बातें उन्होंने की उन्होंने एक तो फर्स्ट एंड सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज की बात की और उसमें उन्होंने मंडल के बाद की राजनीति और सन सतहत्तर के यानी कि पचहत्तर के, के बाद हुए आंदोलन और सतहत्तर के चुनाव असल में वो आंदोलन तिहत्तर चौहत्तर से ही शुरू हो चुका था जो बिहार का जो छात्र आंदोलन था और उसके बाद जो सतहत्तर का चुनाव होता है वो और फिर मंडल के बाद के दौर को उन्होंने डेमोक्रेटिक ऑब्सर्ज के रूप में प्रस्तुत किया जहाँ पर जो पिछड़े हुए समूह थे उससे उनकी भागीदारी राजनीति में बढ़ी और सत्ता की राजनीति में भी वो आगे आए दूसरे स्तर पर योगेंद्र यादव ने यह भी कहा कि जो नब्बे की राजनीति थी उसमें तीन एम ने उसको प्रभावित किया मंडल मंदिर और मार्केट और ये जो मंडल मंदिर और मार्केट की जो उनकी पूरी संकल्पना है उसमें जो मंडल है वो पिछड़ी जातियों की राजनीति का प्रतिनिधित्व करता है मंडल का मतलब है कि मंडल कमीशन की सिफारिशों के लागू होने के कारण राजनीति पर हुआ प्रभाव और यह प्रभाव उन्नीस में मंडल कमीशन की जब सिफारिशें लागू हुई थी उसके बाद हुए चुनावों में बिल्कुल साफ तौर पर सामने आता है तो योगेंद्र यादव ने इसे इसकी व्याख्या करने के लिए जाति की राजनीति का जो यानी कि जो जाति की जो, जो भूमिका है राजनीति में उसको एक आधार के रूप में माना अपनी व्याख्याओं में और ये दिखाया कि कैसे लोकतांत्रिक राजनीति के कारण जो पिछड़े समूह हैं या जो पिछड़ी जातियां हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं जावेद आलम एक मार्क्सवादी विद्वान थे और उन्होंने जो अपनी एक पुस्तक लिखी लोकतंत्र के तलबगार इंग्लिश में ये पुस्तक हु वॉन्ट्स डेमोक्रेसी के नाम से प्रकाशित हुई थी और अभय कुमार दुबे ने इस किताब का अनुवाद किया हिंदी में लोकतंत्र के तलबगार शीर्षक से और यह किताब एक बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत करती है और यह किताब यह बताती है कि कैसे लोकतंत्र को पिछड़े समूहों ने दलितों ने या पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों ने अपने आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का एक प्रमुख साधन बना लिया है उन्होंने यह दिखाया सी एस डी एस के लोकनीतिक कार्यक्रम के आंकड़ों का गहनतापूर्वक अध्ययन करते हुए कि जो उच्च जाति या उच्च वर्ग के लोग हैं वो चुनावों में कम मतदान कर रहे हैं और उनकी चुनावी राजनीति में तुलनात्मक रूप से कम रुचि है लेकिन जो पिछड़े समूह हैं जो दलित समूह हैं वो चुनावी राजनीति को अपनी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन मान रहे हैं और वो अपनी आकांक्षाओं को यानी कि वो उन्हें महसूस हो रहा है कि वो अगर अपनी स्थिति में बदलाव कर सकते हैं तो वो संसदीय राजनीति के माध्यम से कर सकते हैं तो कैसे लोकतंत्र जैसी जो एक परिघटना जिसको कि बहुत ही मॉडर्न परिघटना माना जाता था और जाति जिसे कि एक ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में देखा जा रहा था एक समय के बाद जो एक ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन माने जाने वाली चीज थी यानी कि जाति उसकी मुक्ति या उसकी आकांक्षाओं की व्यक्ति का साधन बन गया लोकतंत्र के तलबगार पुस्तक इस चीज को बहुत ही बेहतर तरीके से दिखाती है क्रिस्टोफ जेफरलो ने इंडिया साइलेंट रेवोल्यूशन नाम से एक पुस्तक लिखी जेफर ने यह दिखाने की कोशिश की कि भारत में जो राजनीति है लोकतांत्रिक संसदीय राजनीति उसकी जो अपनी गतिशीलता है उसके कारण से धीरे धीरे करके वह समूह राजनीति में आगे आया है जिसे पिछड़ी जातियों का समूह कहा जाता है और इसके कारण से जो एक स्थिति बनी है वह यह बनी है कि जिसे हम पिछड़ी जातियों के उभार या उदय के रूप में संसदीय राजनीति में देख सकते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो और लोगों के बारे में बताना चाहूँगा और ये जो पूरी थीसिस है जिसमें कि संसदीय राजनीति का काफ़ी गुणगान किया गया है उसकी सीमाओं को भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा यानी कि इस थीसिस में यह बात आती है कि कैसे लोकतंत्र ने जाति का और जाति ने लोकतंत्र का इस्तेमाल किया लेकिन शायद यह कहने से जातियों के राजनीतिकरण या पिछड़ी जातियों के संघर्ष की कहानी बिल्कुल साफ़ तौर पर सामने नहीं आती है क्योंकि ये जो पूरी कहानी है उसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे आंदोलन हैं उनकी भूमिकाओं की भूमिकाओं को उतना स्थान नहीं दिया गया है यह जो पूरी कहानी है उसमें जो एक संघर्ष है जिसके जो कि संसदीय राजनीति से इतर भी हुआ उसके बारे में बहुत सारा उल्लेख नहीं है तो हमें यह और वो सारी गतिविधियां भी राजनीति से जुड़ी हुई हैं वो सारी गतिविधि उन सारी गतिविधियों में भी राजनीति ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की क्योंकि जब एक समूह खुद को संगठित करता है वह जमीन पर अपने हक की बात करता है और जब उसे प्रताड़ना झेलनी पड़ती है उच्च जातियों के द्वारा तो वो सारी की सारी परिघटना जाति के आधार पर हो रही होती है तो मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि जाति और राजनीति की जो अंतर क्रिया है उसकी व्याख्या के जो अलग अलग स्वरूप हम लोगों ने ऊपर देखे उसमें हमें यह भी ध्यान रखना है कि बहुत तरह के ऐसे समूह रहे, जिन्होंने संसदीय या चुनावी राजनीति में खुले रूप में हिस्सा नहीं लिया लेकिन उन्होंने जाति के आधार पर चलने वाले संघर्षों को एक स्वरूप प्रदान किया अब इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान देने की है मैंने आ, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऐसे नेताओं का उल्लेख किया शुरुआत में जो सीधे तौर पर जाति और राजनीति की बात नहीं कर रहे थे लेकिन मुख्य धारा के कई अन्य नेताओं ने जाति और राजनीति की बात की और उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से भी इसको सामने लाने की कोशिश की और जैस जिसमें कि राम मनोहर लोहिया प्रमुख थे राम मनोहर लोहिया ने जाति को एक आ, गतिशील वर्ग के रूप में भी व्याख्यात किया और उन्होंने मोटे तौर पर यह माना कि जो पिछड़ी जातियां हैं और उन्होंने एक थीसिस प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने आ, उनके पार्टी ने यह नारा भी दिया कि सनसो पाने बाठी बांधीघाठ पिछड़ा पावे में साठ जिसमें वो महिलाओं को भी सम्मिलित करते थे और अन्य कुछ अल्पसंख्यक समूहों को भी आ, तो ये जो एक पूरी थीसिस थी आ, उसके माध्यम से उन्होंने पिछड़ी जातियों के आ, जो एसर्सन की राजनीति थी उसको बढ़ावा दिया उसके पूरे परिणाम को देखने के लिए लोहिया खुद जीवित नहीं रहे लेकिन बाद में जो पिछड़ी जातियों का आंदोलन चला बाद में जो पिछड़ी जातियों के राजनेता चुनावों में आगे आए उन्होंने बार बार लोहिया की थीसिस का जिक्र किया राम मनोहर लोहिया आ, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इनके नाम से वाकिफ होंगे वो एक सोशलिस्ट लीडर थे और आ, उन्होंने आज़ादी के बाद आरंभिक दो दशकों की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये दो दशक ऐसे थे जहां पर एक खास पार्टी कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था और नेहरू का व्यक्तित्व बहुत ही विशाल व्यक्तित्व के रूप में स्थापित था तो लोहिया ने उसके बरक्स विपक्ष की राजनीति की और उस विपक्ष की राजनीति में उन्होंने इस बात को पर ध्यान दिया कि कैसे जो पिछड़े समूह हैं जो ऐसे समूह जिन्हें कांग्रेस के भीतर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है उन्हें गोलबंद किया जा सकता है और उन्होंने इसमें यह कहा कि कैसे हम जाति और वर्ग के संबंधों को भी समझ सकते हैं इस संदर्भ में कांसी राम द्वारा प्रस्तुत बहुजन की अवधारणा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आ, कांसी राम की जो बहुजन की अवधारणा थी आ, उसका एक सूत्र जो चमचा युग किताब है उसके क्रिटिसिज्म से भी निकल कर आता है वो इस बात को मानते थे कि जो आरक्षित सीटें मिली हुई हैं अनुसूचित जातियों को या दलितों को उससे सिर्फ चमचे ही उभर कर सामने आए हैं चमचा से यहाँ पर तात्पर्य है ऐसे नेताओं से जो कि चुने तो जाते थे सुरक्षित क्षेत्रों से पर वो पूरी तरीके से अपने अस्तित्व के लिए या आगे पद पाने के लिए उच्च जाति के नेताओं पर निर्भर थे तो अपनी पार्टी के भीतर नेतृत्व वाली भूमिका में नहीं आ पाते थे और कांसी राम ने इससे आगे बढ़ते हुए इस आलोचना के साथ यह भी कहा कि असल में बहुजन की राजनीति को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है जिसमें कि उन्होंने दलितों को और पिछड़ी जातियों को और माइनॉरिटीज़ को सम्मिलित किया और वो यह भी कहते थे कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर या वो सत्ता पर राज करेगा और कई ऐसे उन्होंने नारे दिए और उन्होंने कोशिश की कि जो बहुजन समाज हैं उसके लोग जगे बाद में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के नाम से एक दल का भी गठन किया तो ये जो बहुजन की अवधारणा है वो भी एक तरीके से जातिगत आधार पर राजनीति को देखने उसका मोबिलाइजेशन करने की कोशिश थी छोटे छोटे स्तरों पर अब मैं यहाँ बहुत विस्तार में नहीं जाऊँगा लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप साठ और सत्तर के दशक की राजनीति को देखेंगे तो अलग अलग नेताओं ने अलग अलग तरीके से आ, यह कोशिश की कि वो जातीय गठबंधन को बनाएँ और उसके माध्यम से जीत हासिल करें तो जो शुरुआत में मैंने बात कही थी कि जो यह बात कही जाती थी शुरुआत में बहुत आज़ादी के समय और बाद के दौर में भी कि जो राजनीति है उसमें जाती है बुरी चीज़ है वो अगर थोड़ा सा नज़दीक जाकर देखेंगे तो वो पाएंगे कि हमेशा से ही जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो इस तरीके के सामाजिक आधार का सहारा लेते हुए राजनीति करते रहे हैं और उसमें उसी आधार पर वो चुनाव में टिकट देते रहे हैं और इस संदर्भ में राजनीति जाति और राजनीति के संबंध के बारे में जो विचार व्यक्त किया रजनी कोठारी ने वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो लोग यह कहते हैं कि राजनीति में जाति है वो असल में ऐसी राजनीति की कल्पना कर रहे हैं जिसका कोई आधार ही ना हो और चूँकि पूरा समाज जाति के आधार पर संगठित है तो निश्चित रूप से जो राजनीति है वह भी जाति के आधार पर ही संचालित होगी जाति की, की राजनीति की कई तरह की कमियाँ भी हैं जिसके बारे में मैं आगे थोड़ा सा उल्लेख करूंगा कि किस तरीके से कई बार अगर बिल्कुल एक वाक्य में मैं यहाँ पर सिर्फ उसका उल्लेख करना चाहूँ तो मैं यह कहूँगा कि कई बार जो उम्मीदवार होते हैं या जो राजनीतिक दल होते हैं वो जाति फेटिसिजम का शिकार हो जाते हैं यानी कि जाति है तो वही आखिरी सच है अब उन्हें और किसी चीज़ को करने की या और कोई क्रांतिकारी बात या क्रांतिकारी प्रस्ताव मतदाताओं के सामने रखने की ज़रूरत नहीं है वो सिर्फ जाति के आधार पर लोगों को गोलबंद करके लगातार चुनाव जीत सकते हैं कई नेताओं ने इस तरीके की समझ विकसित कर ली और यह जाति की राजनीति के एक नकारात्मक पक्ष के रूप में भी सामने आती है इससे जुड़े हुए कई अन्य पहलू भी हैं जिसके बारे में आगे हम जब इन पहलुओं के बारे में बात करेंगे तो और विस्तार से चर्चा करेंगे अब हम वर्ग की अवधारणा के बारे में समझ बनाने की कोशिश करेंगे जो वर्ग की अवधारणा है उसे भी समाज की राजनीति को समझने के लिए बहुत ही मुख्य आधार माना जाता रहा है आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है समाज में कौन कौन से समूह किस तरह की का व्यवहार कर रहे हैं यह देखने और समझने के लिए वर्ग की अवधारणा काफ़ी महत्वपूर्ण रही है मार्क्स या वेबर किसी के भी लेखन से सामने आने वाले वर्ग की अवधारणा में आर्थिक संपदाओं के महत्व को वर्णित किया गया है मोटे तौर पर लोगों के विभिन्न समूहों के भीतर खास तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं ये विशेषताएं उत्पादन और वितरण में उनकी स्थिति से तय होती हैं और इन्हीं के माध्यम से समाजों का पुनरुत्पादन होता है और इन समूहों का संबंध वर्ग बुनियादी रूप से एक संबंधी या रिलेशनल अवधारणा है मुख्य रूप से वर्ग स्थितियों में इनकी भिन्नताओं से तय होता है तो ये जो लोगों की स्थिति उत्पादन और वितरण में उनकी स्थिति से जुड़े होने की बात है यह वर्ग के अवधारणा के बुनियाद में है वेबर ने वर्ग को समाज के विभिन्न समूहों की स्थिति के स्थिति के में का वर्णन करते के साधन के रूप में देखा आ, कि कैसे लोग लोगों की स्थिति है उसको हम वर्ग के आधार पर वर्णित कर सकते हैं वेबरवादी दृष्टिकोण में वर्ग शक्ति संबंधों का सिर्फ एक आयाम है हैसियत या स्टेटस या सम्मान और दल अन अन्य आयाम है इसमें माना जाता है कि शक्ति के विभिन्न आयामों के बीच जटिल अंतर क्रिया के कारण ही परिवर्तन सामने आते हैं वहीं मार्क्स यह मानते हैं कि जो आ, वर्ग होते हैं उसमें बदलाव की भी संभावना होती है और उन्होंने अपने आप में वर्ग और अपनी दृष्टि में वर्ग की अवधारणा प्रस्तुत की तो ये जो अपने आप में वर्ग हैं आ, उसकी एक समझ अगर हम बनाना चाहें तो उसमें हम आ, यह कह सकते हैं कि जो अपने आप में वर्ग है वह काफ़ी हद तक जो वेबरवादी धारणा है वर्ग की उसके करीब चला जाता है जिसमें वेबर यह कहते हैं कि जो लोगों की स्थिति है संसाधनों के संदर्भ में या फिर एक जो समाज में उनकी स्थिति हैसियत या सम्मान के रूप में मौजूद है उसमें उसके आधार पर हम किसी के वर्ग के बारे में तय कर सकते हैं इसका मतलब ये है कि अगर हम एक विश्लेषक के रूप में दूर से देखें और हम यह कहें कि एक लोगों का समूह है जो रिक्शा चालन करता है तो हम उन्हें कमोबेश एक वर्ग का मान सकते हैं और उसी तरीके से अगर बहुत सारे शिक्षक हैं तो उनके विश्लेषण के लिए या उनके वर्णन के लिए हम एक वर्ग की अवधारणा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये जो एक पूरी स्थिति है उसके संदर्भ में ही हम मार्क्स की जो परिकल्पना है अपने आप में वर्ग या क्लास इन इट उसको देख सकते हैं इसका मतलब ये है कि एक जो क्लास में इट्स की जो पूरी स्थिति है उसमें जो अलग अलग तरह के लोग होते हैं उनके बारे में यह देखकर बताया जा सकता है कि वो एक समूह से जुड़े हुए हैं तो लोग उनकी स्थिति एक जैसी है उनकी उनका रहन सहन का तरीका एक जैसा है और उनके खान पान का स्तर जो स्टैंडर्ड होता है भले ही वो कुछ भी खाएं, वो एक स्तर का होता है तो हम उन्हें क्लास इन इट्स बोल सकते हैं पर क्लास फॉर इट्स की स्थिति तब आती है जब कोई एक वर्ग होता है जो कि यह महसूस करता है उसके सदस्य यह महसूस करते हैं कि उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं वो काफ़ी हद तक एक जैसे स्थिति में हैं और अगर उस स्थिति को बेहतर बनाना है उस स्थिति से आगे जाना है तो उन्हें अब एक साथ मिलकर कोई काम करना होगा तो यह जब जागरूकता आती है तो यह क्लासफोर इट हो जाते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एक स्तर पर वर्ग संरचना की कल्पना मोटे तौर पर पूंजी और श्रम के बीच विरोध के रूप में की जा सकती है यहाँ पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच संघर्ष के संदर्भ में ऐतिहासिक परिवर्तनों की व्याख्या करने का प्रयास किया जा सकता है लेकिन भारत में वर्ग के अध्ययन के साथ अन्य पहलू भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं विशेष रूप से जाति का प्रश्न इसके अतिरिक्त अन्य कारक भी एक वर्ग के भीतर विविधता को दर्शाते हैं मसलन श्रमिक वर्ग के भीतर यह प्रश्न हो सकता है श्रमिक औपचारिक क्षेत्र से जुड़ा है या अनौपचारिक क्षेत्र से भारत में वर्ग की समझ के बारे में लॉयड और सुजेन रूडोल्फ ने तकरीबन तीस साल पहले अः भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर अपने विश्लेषण में यह तर्क दिया था कि वर्ग राजनीतिक कार्रवाई को निर्धारित करने वाला एक मजबूत कारक नहीं है इनके अनुसार भारत में वर्ग राजनीति इस अर्थ में हाशिए पर है कि राजनीतिक दल अपना चुनावी समर्थन या नीतिगत एजेंडा वर्गों या श्रमिकों और पूंजी के संगठित प्रतिनिधि प्रतिनिधियों से प्राप्त नहीं करते हैं बल्कि वो अन्य कई तरह की पहचानों विशेष रूप से जाति की पहचान के आधार पर काम करते हैं ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि क्या वर्ग काफ़ी हद तक एक निरर्थक श्रेणी है या यदि यह निरर्थक नहीं भी है तो क्या इसकी विश्लेषणात्मक शक्ति सीमित है वर्ग की अवधारणा में पूंजीवादी और श्रमिक वर्ग की श्रेणियों पर ज़्यादा जोर दिया जाता रहा है और आधुनिक समाजों में लोगों की एक बड़ी संख्या इन बुनियादी वर्ग श्रेणियों में से किसी में भी पूरी तरह फिट नहीं होती है खासतौर पर मध्य वर्ग को परिभाषित करना अत्यधिक कठिन रहा है ऐसा लगता है कि समकालीन राजनीति में जाति धर्म भाषा और जातीयता जैसे कारक वर्ग हित की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो एक तो बात यह है कि हम लोग वर्ग को की एक समझ बनाएं? वर्ग किसे कहते हैं तो आमतौर पर आर्थिक संसाधनों की जो समान स्तर को ग्रहण करने वाले समूह हैं वो एक वर्ग के सदस्य हो गए दूसरे स्तर पर वर्ग के भीतर क्या परिवर्तनकारी क्षमता होती है तो उस संदर्भ में मार्क्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो यह कहते हैं कि हाँ वर्ग अगर क्लास फॉर इट्सल्फ के रूप में आता है जहाँ पर लोगों के भीतर राजनीतिक चेतना आती है तो परिवर्तनकारी हो सकता है तीसरे स्तर पर अगर भारतीय संदर्भ में जैसा कि मैंने वर्णित किया अगर उसको देखने की बात करें तो यह कहा जाता है कि कई बार यह मज़बूत श्रेणी नहीं है क्योंकि जो संसदीय राजनीति चल रही है उस संसदीय राजनीति में जाति और अन्य कई कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो जो अन्य कारक हैं ऐसा कई बार माना जाता है उनकी ज़्यादा प्रमुख भूमिका होती है चाहे वो जाति हो चाहे वो धर्म हो चाहे वो भाषा हो चाहे वो जातीयता हो तो फिर भी हमें यह मानना होगा कि किसी भी समाज के सामाजिक जीवन को समझने के लिए वर्ग एक महत्वपूर्ण श्रेणी है इसके माध्यम से समाज के यथार्थ को समझने की एक अलग अंतर्दृष्टि मिलती है और उसके माध्यम से हम अलग अलग तरीके के जो समूह हैं उनके प्राथमिकताएं क्या हैं उनका आ, उनकी वरीयताएँ क्या हैं इसे समझ सकते हैं हालांकि इसके साथ कई सीमाएं भी जुड़ी हुई हैं लेकिन बहुत से विद्वानों ने यह कोशिश की है कि वे वर्ग के आधार पर भारतीय समाज की गत्यात्मकता को या गति को समझें और अगर हम थोड़ा नज़दीक जाकर इन चीज़ों का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि यह विश्लेषण पूरी तरीके से निरर्थक भी नहीं होता है मिसाल के तौर पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर हम यह कहते हैं कि भारत में जो पूंजीपति वर्ग है उसके हित एक तरह से हैं तो यह अपने आप में एक निरर्थक वाक्य नहीं होगा क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग है वो हमेशा ही यह चाहेगा कि जो सरकार है उसके पक्ष में काम करे वह हमेशा ही यह चाहेगा कि जो टैक्सेस हैं वो कम रहें वह हमेशा ही यह चाहेगा कि अगर वो कई कहीं लैंड एक्विजिशन करना चाह रहा है तो उसे आसानी हो श्रम हमेशा सस्ता हो उसकी जिम्मेदारियां कम से कम हो तो जितने भी पूंजीपति हैं वो इन सब के लिए एक तरह से तर्क प्रस्तुत करते हुए नजर आएंगे तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम वर्ग संरचना के बारे में विचार कर रहे हैं तो हमें सिर्फ यह कहते हुए खारिज नहीं कर देना है कि भारतीय यथार्थ को समझने के लिए जाति ज्यादा महत्वपूर्ण श्रेणी है और वर्ग की कोई भूमिका नहीं है तो भारत में जो वर्ग संरचना और वर्ग निर्माण की बात है उसे प्रस्तुत करने के लिए रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने इन परसुईट ऑफ लक्ष्मी में यह विचार व्यक्त किया है श्रमिक वर्ग की बात करते हुए कि रुडोल्फ और रुडोल्फ ने स्पष्टता से यह विचार व्यक्त किया कि भारत में वर्ग राजनीति के संभावित कर्ता के रूप में संगठित श्रम को कई तरह की बाधाओं से जूझना पड़ता है पहली बात तो यह है कि अब यह बात सामान्य तौर पर स्वीकार की जाती है कि भारतीय श्रम शक्ति का एक बड़ा बहुमत अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहा है इसे श्रम कानूनों की सुरक्षा प्राप्त नहीं है और सामाजिक सुरक्षा तक इसकी काफ़ी कम पहुंच है अनौपचारिक क्षेत्र से यहाँ पर मतलब यह है कि वो एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहाँ पर उनकी गणना अक्सर नहीं होती है वो दिहाड़ी मजदूर के रूप में खेत मजदूर के रूप में इन कामों में को करते हैं जहाँ पर एक जगह उनके काम का स्थान फिक्स नहीं होता है कई बार जगह बदलते रहते हैं कई बार उनकी गणना भी नहीं होती है अक्सर उनको सोच के कोई कार्यक्रम नहीं बनाया जाता है उनके पास कोई यूनियन नहीं होता है तो वो सारे के सारे अनौपचारिक क्षेत्र में होते हैं और वो एक बड़ा हिस्सा है हमारे देश में मजदूरों का बारबरा हेरिस वाइट का यह अनुमान है कि पूरी जनसंख्या का तकरीबन तिरासी प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता है वहीं रीना अग्रवाला की गणना के मुताबिक संपूर्ण श्रम शक्ति का सिर्फ सात प्रतिशत या जो है वो जो औपचारिक क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ है दुनिया के अन्य भागों की तरह ही भारत में भी आर्थिक उदारीकरण का एक नतीजा यह हुआ है कि श्रम का अनौपचारिककरण या इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ा है और इसका अर्थ यह है कि जो श्रम श्रमिक हैं वो ज़्यादा तौर पर एक व्यवस्थित रोज़गार हासिल करने के बजाय उन्हें ऐसे रोज़गार में सम्मिलित किया जाता है जहाँ आसानी से उनको हटाया जा सके और उनके प्रति जो नियोक्ता है जो एम्प्लॉयर है उसकी ज़िम्मेदारी कम से कम हो इसके कारण कुल श्रम शक्ति में संगठित औपचारिक रोज़गार करने वालों के अनुपात में लगातार गिरावट आ रही है साफ़ तौर पर भारतीय श्रमिक वर्ग के जीवन की स्थितियों और श्रम में काफ़ी विविधता आई है इसलिए यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि इनके बीच एक साझा राजनीतिक वर्ग चेतना का आसानी से विकास हो पाएगा सुरक्षित औपचारिक क्षेत्र में रोजगार करने वाले लोग जिनके बारे में अगरतला का मानना है कि भारत की कुल श्रम शक्ति का सात प्रतिशत इससे संबंधित है यह एक विशेषाधिकार युक्त श्रम कुलीन तंत्र का निर्माण भी कर सकते हैं जो मुख्य रूप से अपने लाभ की सुरक्षा और विस्तार के बारे में चिंतित रहते हैं और शायद आप इसको समझना चाहें तो जो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉज़ हैं जिन्हें तरह तरह के भत्ते भी मिलते हैं जिन्हें अलग अलग तरह की सुरक्षाएं भी प्राप्त हैं जिनका वेतन भी काफ़ी अच्छा है और आप एक खेत में काम करने वाले मजदूर के बारे में सोचें या आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो कि अलग अलग क्षेत्रों में जाकर काम करता है क्योंकि उसके पास कोई परमानेंट जॉब नहीं है कोई स्थायी नौकरी नहीं है तो आप इस बात को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जो औपचारिक क्षेत्र यानी कि जिनके पास सुरक्षित नौकरी है अच्छा वेतन है वो एक अलग विशेषाधिकार प्राप्त समूह हो गया और दूसरा जो है समूह है वो बिल्कुल ही अलग किस्म का हो गया तो श्रम श्रमिक वर्ग से जुड़े होने के बावजूद ये अलग अलग तरह की यथार्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनके बीच में एक रेडिकल सर्वहारा के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती है एक रेडिकल सर्वहारा के निर्माण में मुख्य बाधा यह तथ्य है कि औपचारिक क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोग पेटी बुर्जुआ या छोटा पूंजीपति बनने की मजबूत आकांक्षा रखते हैं पेटी बुर्जुआ की जो स्थिति होती है वह अपने आप को यह मानता है कि वह कुछ चीज़ों का उत्पादन कर सकता है उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है और वो हमेशा अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादा काम करने की और आगे बढ़ता है और वो कभी भी अपने आप को जो और पिछड़े समूह हैं उनसे नहीं जोड़ पाता है और वो यह भी नहीं चाहता है कि किसी तरीके की क्रांतिकारी गतिविधि में संलग्न हुआ जाए तो ये एक आकांक्षा होती है औ अनौपचारिक क्षेत्र जो औपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं उनके बीच में अनौपचारिक क्षेत्रों के मजदूर भी खुद को संगठित कर रहे हैं लेकिन यह प्रक्रिया काफी धीमी है यह कहना भी गलत नहीं होगा कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने श्रमिक वर्ग के पहचान के रूप में मजदूर ज्यादा असर नहीं डाल पाए हैं दूसरे वर्ग के रूप में श्रमिक वर्ग के बाद हम पूंजी पूंजी या बड़े उद्योगपति को देख सकते हैं रुडोल्फ और रुडोल्फ यानी कि लॉयड और सुजन रुडोल्फ ने यह विचार व्यक्त किया है कि दूसरे कर्ता के रूप में संगठित पूंजी भी कई कठिन विचारधारात्मक संकुचित और संरचनात्मक बाधाओं का सामना कर रहा है हालांकि वे यह भी मानते हैं कि भले ही भारत में व्यापार हितों प्रतियोगी दलीय राजनीति में सार्वजनिक रूप से व्यापार हितों को प्रतियोगी दलीय राजनीति में सार्वजनिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है लेकिन फिर भी उन्हें संगठित श्रम की तुलना में ज़्यादा बेहतर प्रतिनिधित्व मिलता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दौर में उद्योगों के नियमन से कुछ निजी उद्योगों को लाभ हुआ लेकिन फिर भी लाइसेंस और नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का अर्थ यही था कि व्यापार राज्य के नियंत्रण के अधीन था विवेक छिब्बर ने राज्य और बड़े उद्योगपतियों यानी कि बिग बिजनेस के बीच संबंधों के अपने गहन अध्ययन में यह दिखाया है कि दक्षिण कोरिया के विशिष्ट मामले के विपरीत भारतीय राज्य बड़े उद्योगपतियों को अनुशासित करने में सफल नहीं रहा और जो विकासात्मक राज्य है उसके द्वारा आर्थिक समृद्धि हासिल न कर पाने के पीछे यह भी एक आंशिक कारण रहा है इस पहलू के बारे में हम आगे और बात कर सकते हैं कि कैसे या मैं इस बिंदु को थोड़ा अभी ही स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि जो बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने अपने हितों को तरजीह दी है और कई बार वो राजनीतिक दलों को अपने चंदा देने की प्रवृत्ति के कारण या अन्य तरह से दबाव डाल पाने में की अपनी हैसियत के कारण अपने हितों के अनुसार काम करने में सफल रहे हैं और वहीं राज्य जो है वह इन पूंजीपतियों को आम लोगों या राज्य के हित के अनुसार काम करने में सफल करवाने में सफल नहीं रहा है इसका नतीजा यह निकला है कि ये जो बड़े पूंजीपति हैं वो अब वैश्वीकरण के दौर में काफ़ी हद तक राज्य की जो नीतियां हैं उनको प्रभावित कर पा रहे हैं हालांकि यहाँ इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो पूंजीपति हैं उनमें से भी कुछ को ज़्यादा लाभ हुआ है और जिसे क्रोनिक कैपिटलिज्म कहा जाता है उसकी प्रवृत्ति भी आई है यानी कि जब हम बिग बिजनेस की बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं सरकार की नीतियों की बात करते हैं जो कि निजीकरण से संबंधित है नीतियों को उदार बनाने से संबंधित है लाइसेंस कोटा राज को, को कमजोर करने से संबंधित है तो उससे एक सामान्य तौर पर तो हर तरह के पूंजीपति या बिग बिजनेस को फ़ायदा होने की प्रवृत्ति रहती है लेकिन यह परिघटना भी सामने आई है कि जो उनमें से ज़्यादा प्रभावी पूंजीपति हैं वो राजनीतिक दलों को चंदा देने की अपनी जो खुले मन की प्रवृत्ति होती है उसके कारण से बहुत सारे राजनीतिक दलों को अपने ऊपर निर्भर बना लेते हैं और इसके सहारे या इसकी मदद से वो काफ़ी हद तक नीतियों को अपने पक्ष में नियंत्रित कर पाते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि इसका लाभ कुछ पूंजीपतियों को ज़्यादा हो जाता है जो बाकी पूंजीपति होते हैं वो यह दावा नहीं कर पाते हैं कि जो सरकार की नीतियाँ बन रही हैं सरकार के जो फैसले हो रहे हैं उससे सभी पूंजीपतियों को लाभ हो रहा है तो दो तरीके की परिघटनाएं हमारे सामने हैं पहला निश्चित रूप से जो सीधे तौर पर बिग बिजनेस हैं वो घोषित रूप से अपने एजेंडा को कई बार लागू करवा पाते हैं और कई बार नहीं करवा पाते हैं कई बार इसलिए नहीं करवा पाते हैं क्योंकि जो पूंजीपतियों का एजेंडा होता है वह सीधे तौर पर उन वर्गों के खिलाफ चला जाता है जो वोट देकर सरकार बनवाते हैं लेकिन पर्दे के पीछे परोक्ष रूप से ये जो बड़े बिजनेस होते हैं वो राजनीतिक दलों को चंदा देकर या अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने पक्ष में काम करवाते हैं लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये कि यह प्रवृत्ति भी सामने आई है कि इस तरीके का लाभ जो है वो कुछ पूंजीपतियों के हाथों में ज्यादा संकेंद्रित रहता है और बहुत सारे जो दूसरे पूंजीपति हैं वो इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं तीसरे स्तर पर हम मध्य वर्ग की बात करेंगे मध्य वर्ग के रूप में वर्णित किए जाने वाले समूह के भीतर आंतरिक स्तर पर काफ़ी विविधता होती है इसका एक महत्वपूर्ण धड़ा या भाग पेटी बुर्जवा छोटे पूंजीपति से संबंधित होता है ये छोटे स्तर पर पूंजी के मालिक होते हैं और कई बार ये बहुत से देशों की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं माइकल कालेस्की ने छोटे भूस्वामियों अमीर और मध्यम किसानों ग्रामीण क्षेत्रों और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारियों छोटे स्तर के उत्पादकों और खुदरा विक्रेताओं के लिए मध्यवर्ती वर्ग शब्द का प्रयोग किया है भारत के संदर्भ में मध्य वर्ग को तीन भागों में बांटा जा सकता है पहला मध्यवर्ती वर्ग इनके पास पूंजी होती है और स्थानीय स्तर पर इनका प्रभाव होता है जॉन हैरिस इन्हें पेटी बुर्जुआ की संज्ञा देते हैं दूसरा मध्य वर्ग का एक प्रभुत्वशाली भाग यह प्रभुत्वशाली भाग जो होता है फर्नांडीज लीला फर्नांडीज और हेलर के अनुसार इसमें वो समूह सम्मिलित होते हैं जिनके पास काफी अच्छी पेशेवर दक्षता होती है या संचित सांस्कृतिक पूंजी होती है और जिनके पास विभिन्न क्षेत्रों में प्राधिकार से संबंधित पद होते हैं तो मिसाल के तौर पर इसमें हम आ, अंग्रेजी शिक्षित जो समूह होते हैं जो प्राइवेट फर्म्स में या फिर आ, आ, हम कह सकते हैं जो सरकारी नौकरियां होती हैं उनमें अच्छे पदों पर होते हैं और सतीश देश पांडे के अनुसार भारतीय समाज में ये जो शासक ब्लॉक होता है उसकी ये वर्चस्व को अभिव्यक्त करता है और इसका जो एक प्रभाव होता है वो काफ़ी हद तक सांस्कृतिक पूंजी के प्रयोग पर निर्भर होता है और उच्च जाति का एक कॉस्मोपॉलिटन तौर तरीकों वाला यह वर्ग होता है और इसके भाग के सदस्य को फर्नांडिस और हेलर ने नए मध्य वर्ग के रूप में वर्णित किया है और जो ये भाग है मध्य वर्ग का तीसरा भाग और सबसे बड़ा भाग वह अधीनस्थ वर्ग से संबंधित है इसमें ऐसे वेतनभोगी मजदूर सम्मिलित हैं जिनके पास कुछ शैक्षणिक पूंजी होती है लेकिन ये इनकी अन्य मजदूरों पर प्राधिकार की स्थिति को स्थापित नहीं करता है सतीश देश पांडे इसे जन भाग गुट या मास फ्रैक्शन की संज्ञा देते हैं जो काफ़ी गहरे स्तर पर विचारधाराओं का उपभोग करता है जो अभिजन भाग या गुट द्वारा उत्पन्न की जाती हैं इस तरह यह उन्हें सामाजिक वैधता प्रदान करता है अब ये जो पूरा विवरण है उसमें अगर हम कुछ उदाहरणों से बात करें तो चीज़ें थोड़ी और साफ़ हो सकती हैं तो जैसे मध्यवर्ती वर्ग से यह बात साफ़ हो जानी चाहिए कि इसमें वो वर्ग हैं जिनके पास थोड़ी पूंजी होती है जो मध्य वर्ग का प्रभुत्वशाली हिस्सा है उसके पास वो अंग्रेज़ी शिक्षित होता है एक सांस्कृतिक पूंजी होती है और वह एक तरीके से नए तरह के विचारों को आगे बढ़ाता है नए फैशन को धारण करता है और वह कई बार जो शासक वर्ग होता है उसको वहता प्रदान करता है जो तीसरा वर्ग है वह ऐसा है जिसके पास शैक्षणिक पूंजी तुलनात्मक रूप से कम है और वह एक तरीके से जो बातें उभर कर सामने आती हैं मध्यवर्ती वर्ग के द्वारा या प्रभुत्वशाली वर्ग के द्वारा उसका उपभोग करता है तो ये एक अलग अलग तरह का विभाजन है और उससे हम सामाजिक स्तर पर काफ़ी साफ तौर पर देख सकते हैं कि अगर कोई मध्यवर्ती वर्ग का है तो वो निश्चित रूप से छोटा मोटा बिजनेसमैन हो सकता है या बहुत अच्छे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो सकता है दूसरे स्तर पर प्रभुत्वशाली वर्ग में वो वर्ग हो सकते हैं जो कि काफ़ी हद तक सरकारी नौकरियों में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं और जो अंग्रेजी शिक्षित हैं मोटे तौर पर उच्च जाति से हैं और वो कई तरीके की नई नई चीज़ों का उपभोग करते हैं उन्हें फैशन में ले आते हैं और एक बड़ा तबका ऐसे वर्ग का है जो छोटी नौकरियों में है थोड़े कम शिक्षित है और उसके हिसाब से अपना जीवन यापन कर रहा है कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि मध्य वर्ग ने अपनी दशा और दिशा हाल के दशकों में काफी बदली है और ये जो एक समाज में परिवर्तनकारी भूमिका होती है उससे दूर हटा है बल्कि वह समाज में कई बार यथास्थितिवाद का समर्थक बन गया है खासतौर पर जो हाल के दशकों में हिंदुत्ववादी राजनीति के उभार का दौर है उसमें मध्य वर्ग का एक बड़ा हिस्सा इस तरह की राजनीति के समर्थक के रूप में उभर कर सामने आया है तो ये और साथ ही साथ जो उदारवादी नीति है जो आर्थिक बदलाव की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें भी यह उन हितों के साथ खड़ा है जो कि उदारवादी नीति को लाती हैं या विनिवेश को बढ़ाती हैं हालांकि इस तरह का पूरा जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता है लेकिन प्रोफेसर आशुतोष कुमार ने अपने लेख में यह दिखाया है कि इस तरह की प्रवृत्ति मध्य वर्ग में हाल के दशकों में काफ़ी बढ़ी है एक अन्य वर्ग जो है वो खेतीहर वर्ग के रूप में हमारे सामने है और यह अभी भी चूँकि भारत मुख्य रूप से एक खेतीहर समाज है तो इसमें एक लंबे समय से अलग तरह का वर्ग विभेदीकरण सामने आ रहा है हालांकि यह एक किसान समाज है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की वर्ग स्थिति जो है वह द्वैधतापूर्ण है मतलब कई किसान जो होते हैं वो अलग अलग वर्गों में जा सकते हैं आ, इन लोगों के पास उत्पादन के साधनों पर कुछ हद तक स्वामित्व तो है लेकिन इसके साथ ही ये मजदूर भी हैं इसमें एक और भूमिहीन श्रमिक हैं और दूसरी ओर ऐसे भूस्वामी और प्रभुत्वशाली किसान हैं जो मजदूरों को रोजगार भी देते रहे हैं और इनके परिवारों के सदस्य जो अंग्रेजी शिक्षित होकर मध्य वर्ग का जो एक प्रभुत्वशाली तबका है उसका भाग ही बनते रहे हैं हाल की राजनीति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह रहा है कि क्या यहाँ वर्ग विभेदीकरण की वह प्रक्रिया चल रही है जिसके बारे में लेनिन ने बताया था लेनिन ने यह तर्क दिया था कि उन्नीसवीं सदी के आखिरी में रूस में सामंतवाद के खत्म होने के बाद पूंजीवादी किसानों और श्रमिकों के बीच वर्ग ध्रुवीकरण हो रहा है यह एक विश्लेषण का विषय है और बहुत से पर्यवेक्षक यह मानते हैं कि भूमि सुधारों और हरित क्रांति के कारण खेती को बढ़ावा मिला जिससे ग्रामीण समाज में एक वर्ग विभेदीकरण या क्लास डिफरेंशिएशन बढ़ा भारत में कुछ राजनेताओं और नीति निर्माताओं को यह डर था कि वर्ग विभेदीकरण की प्रक्रिया वर्ग ध्रुवीकरण और खेती संघर्ष को बढ़ावा दे सकती है यह बात गृह मंत्रालय के उन्नीस के कॉजेज ऑफ द प्रेजेंट एग्रेरियन अनस्ट शीर्षक वाली रिपोर्ट में सामने आई थी आ, उस समय बहुत से लोगों ने यह महसूस किया था कि हरित क्रांति लाल हो रही है उस समय और उसके बाद और ज़्यादा तेजी से इस बात को स्वीकार किया गया कि खेती के आधुनिकीकरण का लाभ उठाने वाले किसानों का राजनीतिक वजन तथा भारत के आर्थिक विकास में प्रभाव बढ़ा है लेकिन लॉयड और सुजेन रोडोल्फ ने यह विचार व्यक्त किया है कि ब्लॉक कैपिटलिस्ट यानी कि बैल पूंजीवाद का प्रभुत्व तो बढ़ा है इसका मतलब है कि वे अमीर किसानों की बात कर रही हैं जिनको कि भूमि सुधारों से कुछ फ़ायदा हुआ हरित क्रांति से कुछ फ़ायदा हुआ तो इनका राजनीति में प्रभाव काफ़ी बढ़ा है जब हम किसान आंदोलनों के बारे में पढ़ रहे थे जब मैंने उसकी चर्चा की थी एक अलग एपिसोड में तो मैंने आपको बताया था कि कैसे उन्नीस के दशक में जो आ, अमीर किसान थे तुलनात्मक रूप से जो धनवान किसान थे जिन्हें हरित क्रांति का फायदा मिला था उन्होंने भारतीय किसान यूनियन या शेतकारी संगठना जैसे संगठनों के माध्यम से अपनी मांगों को रखा और उनकी जो ये मांगे थी वो भूमिहीन किसानों या छोटे जोत वाले किसानों की मांगों से काफ़ी अलग थी वो अपने फसल के लिए ज़्यादा अच्छी कीमत चाह रहे थे वो बेहतर सुविधा चाह रहे थे अपने फसलों को बेचने के लिए और जो खाद या कीटनाशक हो उस पर और ज़्यादा सब्सिडी चाह रहे थे तो उनकी जो मांगे थी वो कुछ हद हाँ तक शायद छोटे किसानों और के लिए भी फायदेमंद साबित हो हो सकती हैं या हुई होंगी लेकिन मुख्य रूप से उनका जो हित था वो छोटे या सीमांत या भूमिहीन किसानों के हितों से अलग था बहरहाल जिसे हम अमीर किसान या ब्लॉक कैपिटलिस्ट कह रहे हैं इसमें लॉयड और सुजन रुडोल्फ ने ऐसे किसानों को सम्मिलित किया जिनके पास ढाई एकड़ से पंद्रह एकड़ तक जमीन थी इस तर्क का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने इस दृष्टिकोण को मजबूती दिया कि भारतीय समाज केंद्रवादी है यानी कि सेंट्रिस्ट है मध्यमार्गी है उनके मुताबिक यह स्थिति दर्शाती है कि खेतीहर अर्थव्यवस्था वर्ग आधारित होने के बजाय छोटे छोटे समूहों में बटी हुई थी हालांकि जॉन हैरिस ने अपने ने मौजूदा समय में खेतीहर वर्ग के बारे में निम्न बातें रेखांकित की हैं पहला किसान वर्गों का विविधीकरण और ध्रुवीकरण तकरीबन रुक गया है भूमि अब हैसियत और सत्ता को मुख्य का मुख्य आधार नहीं रही है और ना ही यह गरीब की जीविका की संभावनाओं को सीमित करता है गरीब की निर्भरता कम हुई है लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में इनका प्रभाव बहुत कम हुआ है ऐसा कहने के पीछे जो जॉन हैरिस का मुख्य तर्क है किसान वर्ग के बारे में वह तर्क यही है कि जो खेती है वह एक तरह की जड़ता का शिकार हुई है और वह अपने आप में एक बाधा नहीं बन रही है छोटे किसानों या कुछ तक हम कह सकते हैं खेत मजदूरों के लिए भी हालांकि यह कहना अतिशयोक्ति भी हो सकती है लेकिन फिर भी जो मुख्य तर्क है वह यह है कि अगर कोई किसान गरीब है उसके पास जमीन कम है तब भी उसका जो लड़का है वह कहीं बाहर जाकर काम करके या अगर वह पढ़कर कोई सरकारी नौकरी में चला जाता है तो उस स्थिति में अपनी हैसियत को बढ़ा सकता है तो ये जो एक पहले भूमि को एक मात्र सच्चाई के रूप में माना जाता था ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के स्रोत के रूप में वह स्थिति नहीं रही है इस ओर जॉन हैरिस इशारा करते हैं आ, हम ये जानते हैं कि हमारे देश में जो वर्ग की राजनीति रही है उसने अलग अलग तरीके से जाति के प्रश्न को देखा है जाति के प्रश्न को समझा है यहाँ पर कुछ बिंदुओं का मैं उल्लेख करूँगा जैसे जो कम्युनिस्ट थे वो लंबे समय तक वर्ग को ही सर्वोच्च विचार के रूप में मानते रहे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉम्युनिस्टों को सीधे तौर पर उनको खारिज नहीं करते थे लेकिन उन्होंने उनको उनकी आलोचना की क्योंकि वो वर्ग पर बहुत जोर देते थे और वो जाति की हकीकत पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे और इसके अलावा अगर हम बाद में जो खेती के मामले में जो इनके पूरे संघर्ष है कम्युनिस्टों को उनको देखें बिहार में जो सी बी का काम है उसको देखें तो वहाँ हम ये देखेंगे कि इन लोगों ने जाति की हकीकत की पूरी तरीके से उपेक्षा की एक तरीके से इनकी राजनीति का एक मुख्य लक्ष्य होता था कि जो किसान है वो अपने आप को एक वर्ग के रूप में या जो भूमिहीन मजदूर हैं अपने आप को एक वर्ग के रूप में पहचाने और संघर्ष करें लेकिन उसमें वो जाति को एक तरीके से बिट्रे करने या उसको छोड़ने की बात करते थे और इसका नतीजा कई विद्वान यह मानते हैं कि जब जाति की राजनीति या पिछड़ी जातियों की राजनीति का उदय हुआ 1990 के दशक में तो इन दलों का आधार जो वामपंथी दल थे तो जो कम्युनिस्ट पार्टियाँ थी चाहे वो सी पी आई हो सी पी आई एम एल हो या सी पी आई एम हो उनका आधार बिहार जैसे प्रदेशों में काफ़ी कम हुआ और इससे यह बात सामने आई कि धीरे धीरे कि जाति और वर्ग की अंतर क्रिया को समझने की जरूरत है तो अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं जो कि वर्ग को सबसे बड़ी श्रेणी मानते हैं वो अब कुछ हद तक जाति को स्वीकार करने लगे हैं और जो जाति की बात करने वाले लोग हैं उनके भीतर भी यह बात सामने उनके मन में यह बात धीरे धीरे आ रही है कि जो जाति है वही संपूर्ण हकीकत को व्यक्त नहीं करती है हालांकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि जाति या वर्ग को अंतिम सत्य मानने वाले लोग अपने आप को पूरी तरीके से बदल पाएं इसमें एक लंबा वक्त लग सकता है तो इस प्रक्रिया को अगर हम एक तरफ रख दें तो एक कुछ ऐसे समाजशास्त्री हैं जिसमें कि डी सेठ का नाम सबसे प्रमुख है उन्होंने एक जाति और वर्ग की अंतर क्रिया के आधार पर एक अवधारणा का विकास किया कि आरक्षण की नीतियों के प्रभाव के कारण जाति कमज़ोर हो रही है और एक नए मध्य वर्ग का उदय हो रहा है उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि जो पश्चिमीकरण या संस्कृतिकरण हुआ है जो जातियां हैं वो धीरे धीरे सहभोजन की ओर आगे बढ़ी हैं और जब जो जाति है जो जहाँ पहले इसमें आपस में खान पान प्रतिबंध था अब वो धीरे धीरे कम हुई हैं तो हुआ यह है कि उनका यह कहना है कि जो दलित या पिछड़ी जातियों के लोग हैं जब वो आरक्षण की नीति के कारण या शिक्षा के कारण एक पद पर पहुँचते हैं तो उनका जो रहन सहन है या उनकी जो जीवन शैली है वह काफ़ी हद तक उस पद से या उस वर्ग से जुड़े लोगों के बराबर हो जाती है और वो अपने ही वर्ग के अपने ही जाति के दूसरे लोगों से अलहदा हो जाते हैं अलग हो जाते हैं मिसाल के तौर पर एक उदाहरण देकर मैं डीएल सी के स्तर को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि अगर हम एक ऐसे समूह की कल्पना करते हैं जहाँ पर सभी मध्य वर्ग के लोग हैं शिक्षक हैं शुरुआत में सब मध्य वर्ग के अगर नहीं थे अलग अलग जाति समूहों से आते हैं कुछ तथा कथित उच्च या अगड़ी जातियों से हैं कुछ दलित जातियों से हैं कुछ पिछड़ी जातियों से हैं तो डीएल का कहना यह है कि यहाँ पर जितने सारे लोग हैं उनकी जो जीवन शैली है उनका आम तौर पर जो रहन सहन है उनके विचारों की का या सोचने समझने का जो एक स्तर होता है वह उनकी ही जाति के दूसरे ऐसे लोगों से अलग होता है जो इस स्तर तक शिक्षित नहीं है जिनके पास इस स्तर तक आ, आर्थिक संसाधन नहीं है तो इस लिहाज से उनका यह कहना है कि जो ये नया मध्य वर्ग है उसके सदस्य आपस में एक दूसरे से ज़्यादा जुड़े हुए हैं बनस्पत की वो अपनी ही जाति के दूसरे लोगों से जुड़े होने के कारण तो डी एल सेठ ने समाज की गतिशीलता के आधार पर आ, और विशेष रूप से उसमें वो आरक्षण नीति की भूमिका मानते हैं जातियों में परिवर्तन होने और एक नए तरह के वर्ग के उभार की बात को रेखांकित किया है हालांकि डी एल सेठ की अवधारणा को पर काफ़ी प्रश्न चिन्ह भी लगाए जा सकते हैं मिसाल के तौर पर हम अक्सर यह खबर पढ़ते रहते हैं कि कैसे जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं या कैसे उच्च पदों पर पहुंच चुके दलित जातियों के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें भी उस स्थिति में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है और कैसे हम यह भी देख सकते हैं कि बहुत से लोग जो हैं जो आ, जो अपने आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बावजूद अपनी आ, पहचान से जुड़े होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि उस पहचान की राजनीति को मजबूती दें तो एक तरीके से आ, जो नए मध्य वर्ग का एक, एक संकल्पना डीएल सेठ ने रखी है वह चीजों को साफ तरीके से समझने में मदद करती है लेकिन उसके साथ ही कई प्रश्न भी खड़े होते हैं इसकी कई सीमाएं भी सामने आती हैं निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं एक निष्कर्ष के रूप में अगर मैं अपनी बातों को रखूँ तो कि भारतीय राजनीति को समझने के लिए जाति एक महत्वपूर्ण आधार है और जाति के आधार पर बहुत सारे सिद्धांतकारों ने इसकी व्याख्या की है वर्ग के माध्यम से भी हम भारतीय समाज में हो रहे बदलावों या समाज के प्रभुत्वशाली तबकों की आसानी से पहचान कर सकते हैं और ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जाति और वर्ग दोनों को ही एक साथ लाकर भारतीय राजनीति के यथार्थ को समझने की कोशिश की जाए हालांकि जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था कि और भी कई ऐसे कारक हैं मिसाल के तौर पर भाषा मिसाल के तौर पर क्षेत्र या लिंग जिनके माध्यम से हिंदुस्तान की राजनीति को देखा जा सकता है समझा जा सकता है और उसकी व्याख्या की जा सकती है लेकिन जो जाति और वर्ग का राजनीति से संबंध है वह समझना अत्यंत आवश्यक है मेरी ये कोशिश आज की प्रस्तुति में रही कि मैं आपको थोड़े सैद्धांतिक कामों के बारे में बता पाऊँ जो जाति और वर्ग और राजनीति के संदर्भ से जुड़े रहे हैं और कैसे कई विद्वानों ने इनके संबंधों की व्याख्या की है उसकी एक समझ में आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊँ मुझे ये उम्मीद है कि आज की इस पूरी चर्चा से आप जाति वर्ग और राजनीति के अंतर संबंधों के बारे में कुछ बुनियादी पहलुओं को समझ पाए होंगे कुछ विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत विचारों के बारे में एक स्पष्टता आपके मन में आपके दिमाग में आई होगी और मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि आगे आप इन विद्वानों के बारे में इनके लेखन के बारे में और पढ़ेंगे और उनके लेखन के और उनके तर्कों के संरचना पर गहराई से विचार करेंगे आज के इस एपिसोड को मैं ही खत्म करता हूं। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे और भारतीय राजनीति के एक अन्य पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे नमस्कार